हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक अगेन इन बीएससी फार्मेसी। सो कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। चलो बेटा, सो आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बी फार्मा के फ़ायदे क्या क्या होते हैं और नुकसान क्या क्या होता है, यानी कि बी फार्मा करने के बेनिफिट क्या क्या हैं और क्या क्या बेनिफिट नहीं है, यानी कि क्या बी फार्मा करके बर्बाद हो जाएंगे। अभी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को ओपन करके देखना तो बहुत सारे बच्चे ऐसे रहेंगे जो बोलेंगे कि बी फार्मा मत करो, बर्बाद हो जाएंगे। पर आज के इस वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बी फार्मा के बेनिफिट क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आप लोग ग्रेजुएट हो जाओगे, ठीक है। और ग्रेजुएट होने के बाद जितने भी फॉर्म्स रहते हैं, जो कि क्या है कि ग्रेजुएशन के बेसिस पर निकलते हैं, आप उन फॉर्म्स को फिल कर सकते हो। दूसरा बेनिफिट ये रहता है बी फार्मा करने का कि आप क्या है समाज सेवा भी कर सकते हो। अब समाज सेवा कैसे कर सकते हो, जैसे इन दी सेंस कि आप देखो मेडिसिनल प्रैक्टिशनर बन जाओगे भाई, जैसे डॉक्टर्स हैं वो सभी के सभी समाज सेवा ही तो कर रहे हैं। अब समाज सेवा करने का कोई फीस लेता, कोई नहीं लेता। अब आप मेडिकल प्रैक्टिशनर बन जाओगे, आप मेडिसिन डिस्पैच करोगे, है ना, ये सारी चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या है, कावड़ों का मौसम है, सावन का मौसम है। हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, मेरठ से। अब यहाँ पर क्या है, कावड़ का हब चलता है, उत्तराखंड पास में ही है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बीएससी फार्मेसी टीम क्या करती है, हर साल पिछले दो साल से तो हम लोग क्या है कैंप लगा रहे हैं, ठीक है। पिछले दो साल से हम लोग मेडिकल कैंप लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और हमें परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन इजीली हमें मिल जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग फार्मासिस्ट हैं, है ना। तो आप लोग भी सेवा कर सकते हो, है ना। और इसी वजह से हम लोगों ने बीएससी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पर शिवरात्रि ऑफर के अकॉर्डिंग ऑफर निकाला हुआ है, ताकि कि क्या है कि सावन का महीना है, हर कोई उसको इंजॉय कर सके। जैसे बीएससी फार्मेसी की टीम कावड़ यात्रा में कावड़ियों की सेवा कर रही है, ऐसे आप लोग भी बीएससी फार्मेसी के साथ में जुड़ करके इस फैमिली को और बड़ा कर सकते हो। चलिए आगे आते हैं वापस बेनिफिट्स पर। तो सेवा कर सकते हो। दूसरा, आप जन औषधि केंद्र खोल सकते हो। क्या खोल सकते हो बेटा? जन औषधि केंद्र खोल सकते हो। अगर जो आप में इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट, एयरपोर्ट पर भी आप फार्मासिस्ट बन सकते हो। एयरपोर्ट फार्मासिस्ट होते हैं, है ना, इंडियन आर्मी फार्मासिस्ट, नेवी फार्मासिस्ट, हर एक सेक्टर में फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती है, रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती है, ये सारी चीज़ें होगी। देन उसके बाद में आप क्या कर सकते हो भाई, जॉब्स क्राइटेरिया भी गया, आप इंडस्ट्रीज़ में जॉब कर सकते हो, इंडस्ट्री में भी आप जॉब कर सकते हो। जिसका इंटरेस्ट है इंडस्ट्री में जॉब करने का, इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो। हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हो आप लोग, क्योंकि एक सेवन सेम में सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, तो हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो आप, है ना। आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं बी फार्मा करने के। तो जो लोग बोलते हैं कि बी फार्मा करने के कोई बेनिफिट नहीं होते, तो वो बिल्कुल गलत है कि बी फार्मा करने के कोई बेनिफिट नहीं होते। अगर जो हम लोग बात करें कि बी फार्मा के बेनिफिट्स क्या क्या नहीं है, भाई ये तो हो गई बी फार्मा की तारीफ। अब हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे कि बी फार्मा के क्या क्या बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर लेते हैं, क्या क्या फ़ायदे नहीं है, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब क्या क्या फ़ायदे नहीं है बी फार्मा के, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जो भी बच्चा बी फार्मा कर लेता है, बी फार्मा करने के बाद अगर जो वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब, मतलब कि जॉब के लिए जा रहा है, तो उसका जो प्लेसमेंट है, अगर जो प्लेसमेंट पे होगा तो अच्छा प्लेसमेंट होगा, कंपनी अच्छा पैकेज देगी। बट अगर जो प्लेसमेंट के थ्रू वो नहीं गया है, डायरेक्ट जॉब लेने के लिए जा रहा है, तो जो सैलरी रहेगी वो बहुत लो रहती है, यानी कि क्या 10 to 15,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। और दूसरा क्या है कि बेटा आपको क्या है कि अगर जो आप अवेयर नहीं हो चीज़ों को लेकर के, तो आपको बी फार्मा क्या लगेगा, ख़राब लगेगा। भाई देखो एक बात है कि अगर जो बेटा आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि आपके फ्रेंड है जिसने 4 साल अच्छे से मेहनत की, उसने क्या किया 85% या 90% की उसकी डिग्री बनी, ठीक है। वहीं आप हो, आपने 4 साल मज़े में निकाल दिए, उसके बाद में आपकी डिग्री बनती है 75% की, और आप दोनों क्या है एक ही कंपनी में रिज्यूम लगाते हो, तो कौन सा रिज्यूम एक्सेप्ट होगा? आप क्या बोलोगे कि मेरा रिज्यूम होना चाहिए? नहीं होगा ना बेटा। जिसके 85 या 90% है, ऑब्वियसली उसे क्या है नॉलेज ज़्यादा होगी, और नॉलेज ज़्यादा है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप बेरोज़गार रह जाओगे, तो क्यों बेरोज़गार रहोगे, वो आपकी गलती है। तो बेटा अपने इन 4 साल में आपको ऐसे खुद को झोंक देना है कि 4 साल बाद जब आप कहीं पर भी अपना रिज्यूम लगाओ, तो कंपनी बोले प्लीज़ कम इन माय इंडस्ट्री, ऐसे ना बोले कि नहीं आपको वेटिंग में खड़ा होना है। रिजल्ट आपका देखते के साथ ही कंपनी बोले कि वाह इस बच्चे के, इस कैंडिडेट की मुझे ज़रूरत है,
तो इसी चीज़ में बीएससी फार्मेसी आप सभी लोगों की हेल्प कर रहा है। और इसी के लिए बस आपको एक काम करना है, बीएससी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, जहाँ पर आपको सेमेस्टर वाइज कंप्लीट कोर्सेज, हर एक कोर्स के लिए कि क्या क्या आपको क्राइटेरियाज हो सकते हैं, कहाँ पर जॉब मिल सकती है, जॉब सेक्टर, मोटिवेशन सेशन, करियर रिलेटेड गाइडेंस, सारी चीज़ें प्रोवाइड होती है कोर्सेज के अंदर। एक फैमिली जैसा माहौल, घर जैसा माहौल रहता है क्लासेज में। तो ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्सेज को ज्वाइन करने से पहले बेटा डेमो चेक कीजिएगा, अगर जो डेमो से सेटिस्फाई होते हो तो ही कोर्स में एनरोल कीजिएगा, अदरवाइज ऐप को डिलीट कर देना, ठीक है। हम लोगों ने अपनी ऐप पे एक न्यू फीचर एनरोल किया है जिसका नाम है शॉर्ट्स फीचर। शॉर्ट्स में क्या रहता है कि आप लोग जैसे यूट्यूब इंस्टाग्राम पर शॉर्ट्स देखते हो, ऐसे ही हम लोगों ने अपनी ऐप पर शॉर्ट्स जो कि नॉलेज वाले रहते हैं उनको इंक्लूड किया है, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे शॉर्ट क्लिप्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए करके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।